और अब खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। किसानों के आगे आखिर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है, उनके प्रदर्शन के आगे केंद्र सरकार अब झुक गई है और दिल्ली के बुराड़ी में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी गई है। किसान थोड़ी देर में ये तय कर लेंगे कि उन्हें निरंकारी ग्राउंड में जाकर प्रदर्शन करना है या नहीं। फिलहाल उनकी मीटिंग चल रही है जिसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। थोड़ी देर में कृषि कानून को लेकर किसान नेताओं की बैठक शुरू होगी। कल ही एक पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें सारे संगठन छोटे बड़े हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान के जितने भी किसान संगठन थे वो एक छतरी के नीचे आ गए थे और उन्होंने पीएम को खत लिखा था। उसके बाद उनको इजाजत मिली थी कि वो बॉर्डर एरिया से डायरेक्ट दिल्ली में आ सकते हैं। दिल्ली में आने पर वो बुराड़ी ग्राउंड पर जाएंगे। केजरीवाल सरकार ने खाने से लेकर पीने तक सब चीजों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बुराड़ी ग्राउंड पर कर रखी है। कल वहां पर तस्वीरें भी आई थी जिसमें फॉगिंग हुई थी। पहले किसान कह रहे थे कि उनको जंतर मंतर जाना है, लेकिन जंतर मंतर की इजाजत नहीं मिली थी, बुराड़ी ग्राउंड की इजाजत मिली थी। यानी आज पूरे जो किसान होंगे जो कि तीन प्रदेशों से आ रहे हैं वो बुराड़ी ग्राउंड पर होंगे। अब देखना यह है कि क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल आता है जो किसानों से बात करता है, या बुराड़ी ग्राउंड से कुछ किसान और कुछ किसान नेता डायरेक्ट सरकार से बातचीत करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ अपील करी है कि अपना जितना भी आंदोलन है खत्म करें, बातचीत करें, और पहले से 3 तारीख तय है किसान और सरकार के बीच में बातचीत। बिल्कुल, पर लेकिन देखिए रजत, मुझे नहीं लगता कि किसान इस बार बातचीत के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। किसान कह रहे हैं इस बार जो लड़ाई है वो आर पार की है, या तो सरकार कृषि कानून बिल वापस ले या तो आके हमसे मुलाकात करे। और दो तस्वीरें इसी बीच आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर बुराड़ी की है जहां किसानों को सरकार से प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम सिंघू बॉर्डर की दिखा रहे हैं जहां आज भी किसान डटे हुए हैं और आगे की रणनीति पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मीटिंग चल रही है जिसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बिल्कुल, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं, ठंड का मौसम है, बैरिकेड्स आप देख सकते हैं, वायरिंग देख सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर बुराड़ी, जहां तक किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए हैं और किसानों का क्या इस वक्त कहना है, किसान क्या सोचते हैं, किसान क्या चाहते हैं, खुद सुनिए किसान की जुबानी। जंतर मंतर में हम लोगों ने क्या करना है, हम तो रोड पे बैठेंगे दिल्ली वाले में। हाँ, जो हमको उधर चाहिए हम लेके जाएंगे अपना। हाँ, हमारे पास ये कुछ भी नहीं है, हमें पिछले 4-5 बैलून तोड़ के आए हैं। ये क्या चीज है, ये तो कुछ भी चीज नहीं है। 5 मिनट का हमारा काम है तोड़ने वाले। तो अभी क्या है, जे मोदी अच्छा है ना, तो इसको डालने के लिए फौज को साइड में कर दे, हम अभी जाने के लिए तैयार है। फौज यूनिट आती, गाड़ी क्यों खड़ा किया सारा, रास्ता खोल दे, हम जाएंगे अभी, तैयार है हमारा पूरा काफला। जिन्ना चिर साढ़े चेन्नई करोन वास नहीं होंगे, बिजली सोध बिल नहीं वास हूँ, जेडे किसान साढ़े फड़े हुए हैं हरियाणा पंजाब के, वह रिहा नहीं होंगे, असं उन्होंने चेहरे मोटरसाइकिल ला के रखना अनमिते समय लिए, कोई भी लिमिट नहीं है कि चिरना। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है किसानों के बीच और मंत्रियों के बीच। जो अहम बैठक होने जा रही थी जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, आखिरकार कुछ इंतजार के बाद वो बैठक शुरू हो चुकी है और अब आगे की रणनीति पर बातचीत हो रही है। इसके बाद किसान ये फैसला करेंगे कि वो सिंघू बॉर्डर से निकलकर बुराड़ी जाएंगे या फिर नहीं। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर यही है कि जितने भी किसान संगठन है उनकी बैठक शुरू हो गई है, उनको फैसला लेना है। 3 तारीख पहले से मुकर्रर है। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपील करी है कि जितने भी लोग हैं वो सब अपने आंदोलन को खत्म करें, प्रदर्शन को खत्म करें, सरकार से बातचीत करें। किसानों को दिक्कत क्या है, किसानों को दिक्कत है एमएसपी को लेकर। सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी। और इसी बीच बुराड़ी से हमारे संवाददाता सव्यसाची हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सव्यसाची, फिलहाल वहां परिस्थिति क्या बनी हुई है, क्या सरकार की ओर से वहां भी कोई बातचीत के लिए पहुंचा है? देखिए जो बैठक थी वो तो अब किसानों के बीच शुरू हो चुकी है, लेकिन इस वक्त आप ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त वहां पर माहौल कैसा है। जी बिल्कुल, इस समय मैं निरंकारी ग्राउंड पे खड़ा हूँ और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसानों के जो गुट है वो यहाँ पे पहुंचने लगे हैं और सुबह से यहाँ पे एक साथ एकजुट में खड़े हैं और सुबह से अपने झंडे और लाठी के साथ यहाँ पे खड़े। थोड़ी देर पहले यहाँ पे गाना भी चल रहा था और ढोल ताशे भी बजाए जा रहे थे और प्रदर्शन लगातार किसानों की तरफ से चल रहा है। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस की भी भारी तैनाती है और दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पे बंदोबस्त किया जा रहा है, टेंट और पानी का
यहाँ पे बंदोबस्त किया जा रहा है किसानों के लिए। और लगातार आप जैसे आप देख सकते हैं कि छोटे गुट में किसान यहाँ पे बुरारी के निरंकारी मैदान पे लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपने झंडों के साथ, अपने बैनर के साथ। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस की काफी भारी तैनाती यहाँ पे दिखाई दे रही है और लगातार ये जो देख सकते हैं ये दिखा है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंट लगाए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार द्वारा पानी की व्यवस्था और इवन जो हॉस्पिटल वैन्स हैं उनकी भी व्यवस्था भी करी जा रही है। लगातार दिल्ली सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो किसान हैं उनको ज्यादा तकलीफें ना हो और पानी की व्यवस्था और यहाँ पे कोविड जो टेस्टिंग वैन्स है वो भी मौजूद है, तो किसी तरह की परेशानी किसानों को ना हो उसके लिए दिल्ली सरकार लगातार कोशिश ये करी है। और इस वक्त करीबन 100 से 200 किसान यहाँ पे मौजूद हैं, जो छोटे गुट हैं वो सिंघू बॉर्डर से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसे आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे भी भीड़ जमा हुआ है और लोग लगातार यहाँ पे जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली सरकार द्वारा लगातार इनको सपोर्ट मिल रहा है। जी जी सभी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं जहां पर वो कोविड वैक्सीन का जायजा लेने वाले हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अहमदाबाद। आज उनको पुणे के सेरम इंस्टीट्यूट भी जाना है, साथ ही साथ हैदराबाद भी जाना है, लेकिन शुरुआत अहमदाबाद से। अहमदाबाद जाएंगे, वहां पर कोविड वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है, जो फाइनल फेज में है, उन तीनों जगह यानी अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, ये तीनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे और वहां पर जायजा लेंगे कि आखिर जो फाइनल स्टेज में वैक्सीन है कोविड को मारने वाली उसका क्या आप कह सकते हैं मेरिट है, कहां तक पहुंचा है काम, कब तक वैक्सीन रेडी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात करी थी, एक स्पेशल बैठक भी बुलाई थी कि कैसे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी पूरे हिंदुस्तान में। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक आप कह सकते हैं प्रिया रिलैक्स करने वाली तस्वीरें हैं भारतवासियों के लिए कि प्रधानमंत्री उस जगह जा रहे हैं जहां से कोविड की वैक्सीन मिलनी है और तीनों जगहों पर जाएंगे, जहां जहां तीन ट्रायल्स चल रहे हैं तीनों जगहों पर जाएंगे। और प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं तो ये माना जाए कि हाँ एक फाइनल फेज में है और जैसा कि बार बार हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि 2021 के पहले क्वार्टर में ये वैक्सीन मिल जाएगी, ये भरोसे वाली तस्वीर है प्रधानमंत्री की। रजत, इस बात का भी पूरा काका तैयार कर लिया गया है कि सबसे पहले कोविड वैक्सीन किसे दी जाएगी, जिनमें वो वॉलंटियर सबसे आगे होंगे जो इस वक्त बहुत अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिनमें हमारे डॉक्टर्स होंगे, हमारे सफाई कर्मी शामिल होंगे, तो तमाम ये खाका भी तैयार किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन शहरों में कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन रिव्यू ले रहे हैं। जो उनका पहला डेस्टिनेशन है वो अहमदाबाद है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन का जायजा लेंगे। जो अहमदाबाद की वैक्सीन है उसका नाम है जायकोवोडी फॉर्मूला, जो कि जायडस बायोटेक बनाने वाली कंपनी है और जायडस ये वैक्सीन माना जा रहा है कि जल्दी मार्केट में आ सकती है। इसका जो ट्रायल है वो अपने अंतिम फेज में पहुंच चुका है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दूसरा डेस्टिनेशन होगा वो पुणे होगा और उसके बाद तीसरा डेस्टिनेशन हैदराबाद होगा, जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे और कोविड वैक्सीन का जायजा लेंगे, तमाम उन तैयारियों का जायजा लेंगे। और ये भी इसके बाद हो सकता है आने वाले वक्त में तय हो जाएगा कि जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि इस महामारी से कुछ हद तक राहत मिल जाए। बिल्कुल अप्रिय, देखने वाली बात होगी, तीन सेंटर्स पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, तीनों सेंटर्स के जो चीफ हैं वो उनको ब्रीफ भी करेंगे, वैक्सीन कहां तक पहुंची ये सब ब्रीफ होगी। क्या उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं, तीनों इंस्टीट्यूट्स आप विजिट करने के बाद क्या पीएम कुछ कहते हैं, क्या ट्वीट करते हैं, क्या देश को भरोसा दिलाते हैं कि हाँ वैक्सीन जल्द से जल्द मिलेगी, क्योंकि देश की नजर है, अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो देश में आज उत्साह है कि हाँ जिस कोविड महामारी से लोग परेशान हैं आने वाले समय में उस कोविड की वैक्सीन भारत में उपलब्ध होगी।
और इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आपको पल पल अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए। एसोसिएट स्पॉन्सर वोल्टास महा एडजस्टेबल इन्वर्टर एसी। कमाल का एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट, स्टार्टिंग से ही पानी से नुहानी। एसीसी है बस, तो फिर ड्रामा क्यों? मेरा ऑयल है जेंटल और लाइट, डाबर लाल तेल है सबसे राइट, इससे जेंटल और कोई नहीं। मेरी बेटी, तुम झुको नहीं, तुम रुको नहीं। बेबी का शारीरिक विकास करिए तेजी से डाबर लाल तेल, जिसमें केमिकल वाला मिनरल ऑयल नहीं बल्कि है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। थैंक यू। क्या जरूरत थी, सही तो था वो। आज वोल्टेज लो है, कल बैटरी फूल रही है, सही बैकअप ही नहीं दे रही है, बस अब नो भागदौड़। ऐसी वैसी बैटरी और इन्वर्टर की भागदौड़ से बचिए। अमेज़ के हाई परफॉर्मेंस वाले बैटरी और इन्वर्टर लीजिए, लाइफ में टेंशन मत लीजिए। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी वसा यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। तुम जब भी बाहर से आते हो, जानलेवा जर्म्स और बैक्टीरिया साथ ले आते हो, इन्हें खत्म करना होगा। डैज़ल की क्लीनिंग रेंज करें 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का सफाया, तो घर को सिर्फ क्लीन नहीं।